एमपी तक में दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की मुरैना नगर निगम से प्रत्याशी मीना जाटव। उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने मुरैना के विकास के लिए क्या रोड मैप प्लान तैयार कर रखा है। मीना जी, आप बताइए कि मुरैना नगर निगम से बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो आपने क्या रोड मैप प्लान तैयार किया है यहाँ के विकास के लिए? विकास के लिए मैंने किया है, ऐसे अधूरी कोई भी नगर निगम के अंदर अधूरा भी काम पड़ा हो उसे पूरा करूंगी। जैसे कि रोड है कहीं भी, और पानी है, स्वच्छ पानी हो, नाली वगैरह की भरी रहती हैं, अभी हमारे सामने ही भरी रहती हैं, तो सालों साल हो जाती है, कभी सफाई नहीं होती है, तो साफ सुधाई स्वच्छता बनी रहे और अपना मुरैना सफाई और नंबर एक पे स्वच्छ सुंदर बना रहे। अभी तक आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है। क्या जनता क्या चाहती है आपसे, किस तरीके का विकास चाहती है? जनता यही चाहती है, बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ हेडपम्प लगवा दो, कोई कह रहा है हमारे यहाँ गड्ढा हो रहे हैं, सड़क खुद रही है, बनाओ, यही है और मुद्दे। आप अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, अचानक से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर आपको चुनाव मैदान में उतार दिया, तो कितना आपको इसमें अंतर नज़र आ रहा है, कितना अजीब लग रहा है या अच्छा लग रहा है, क्या स्थिति है बीजेपी में? मैं तो खैर, मैंने तो मिस्टर 25 साल थे बीजेपी और आरएसएस में, बहुत पुराने हैं, और मैंने सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और घर ही चलाया है। कभी कभार भारतीय मजदूर संघ में तो जाती हूँ, जब मीटिंग होती है जब जाती हूँ। तो अभी अचानक से आप चुनाव मैदान में उतर आई हैं, तो कितना क्या आपको मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत तो करनी पड़ रही है, मैं तो अभी क्या लगता है अभी दो दिन से मैंने बहुत देगी, सब साथ हैं, सब साथ, सब साथ। तो देखिए, ये मीना जाटव हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी, लेकिन खास बात ये भी है कि ये इनका पहला चुनाव, इससे पहले इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ाया। इनके पति ज़रूर बीजेपी के बहुत ईमानदार और कार्यकर्ता रहे हैं, उसी का ये इनको फल मिला है कि इन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन्हें कितना पसंद करती है। एमपी तक के लिए मुरैना से हेमंत शर्मा।